गाइस, आपको तो पता ही है आजकल के ज़माने में चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपने चेहरे का कितना ज़्यादा ध्यान रखता है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो क्या बोलते हैं ऑयली फूड रहते हैं, बहुत सारे लोग खाना भी छोड़ देते हैं। अगर ज़्यादा खाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर कम खा रहे तो फिर खा सकते हैं, अगर ज़्यादा पैमाने में खा रहे हैं तो फिर वो तो अपने लिए नुकसानदायक ही है। इनफैक्ट बहुत लोग चाय पीना भी छोड़ देते हैं। तो मैंने कुछ अपने घर में होम रेमेडीज़ बनाई हैं और ट्राई की है जिससे मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये है कि आप एलोवेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट एलोवेरा का प्लांट बहुत सारे लोगों के घर में होता भी है। इनफैक्ट वो जब एलोवेरा का प्लांट बड़ा बड़ा हो जाता है तो बहुत सारे लोग काट कर फेंक देते हैं। तो आप काट कर फेंके ना उस एलोवेरा को, आप अपने यूज़ के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो आपको यूज़ करने से पहले उसमें का जो एलोवेरा का सब्सटेंस रहता है वो निकाल लेना है। कम से कम 1 घंटे के लिए तो आपको किसी दीवार में टांग कर ही रखना है जिससे कि वो एलोवेरा का पूरा सब्सटेंस निकल जाएगा, फिर आप उसके बाद लगा सकते हैं। नहीं तो आप वैसे ही लगा देंगे तो आपको झंझनाहट हो सकती है चेहरे पर, और खास करके तो सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत नुकसानदायक हो। एलोवेरा का यूज़ दिन में 2 बार कर सकते हैं, एक तो नहाने के 15 मिनट पहले और दूसरा ओवरनाइट। सोने से पहले आप एलोवेरा को लगा सकते हैं। उसका ये फ़ायदा है कि आपके पिंपल्स थोड़े कम हो जाएंगे और डार्क स्पॉट जो आपके चेहरे के वो दूर हो जाएंगे। ऐसा है कि ये नेचुरली है तो इसको बहुत थोड़ा बहुत तो टाइम लगता ही है। ऐसा नहीं कि पहले ही लगा दियो और जल्दी से ये क्या बोलते निखार आ जाएगा, ऐसा नहीं, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इनफैक्ट एलोवेरा आप बालों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बाल उससे सॉफ्ट होते हैं। ये है कि आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेमन अपने हाथ पैरों के लिए। नींबू का रस अपने चेहरे के लिए यूज़ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं लगाना है उसमें, या तो हनी। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों घर में हनी नहीं रहता, तो आप शुगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर उस लेमन जूस में मिक्स करके आप स्क्रब की तरह यूज़ कर सकते हैं अपने चेहरों के लिए। इनफैक्ट बहुत सारे जगहों पर टैन आता है, उधर भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट अपने चेहरे के फोरहेड पर बहुत ज़्यादा ही टैन आता है, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, और इनफैक्ट डेफिनेटली ये काम भी करता है। तो प्लीज़ आप इसे भी ट्राई कीजिए। ये है कि आप हल्दी और बेसन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये नेचुरली है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। इनफैक्ट 4 to 8 weeks। तो आप सोने से पहले हल्दी और बेसन को ओवरनाइट भी कर सकते हैं, मतलब उसका पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर ओवरनाइट कर सकते हैं। या जिसको ओवरनाइट नहीं करना है उसे वो मतलब एक टाइम लगा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 30 minutes अपने चेहरे पर छोड़ सकता है, और फिर उसके बाद अपने चेहरे को धो सकता है। इसे आप कंटिन्यूस भी कर सकते हैं, या हफ्ते में 2 टाइम। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को पिंपल्स भी आ जाते हैं हल्दी लगाकर। तो आप प्लीज़ जिनको पिंपल्स आते हैं वो बिल्कुल ट्राई ना करें, ये हानिकारक हो सकता है आपके चेहरे के लिए। ये है कि अगर आपको आपके नाक के ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स निकालने हैं तो आप ग्लिसरीन और गुलाब जल को मिक्स करके आपके नाक पर रगड़ सकते हैं, जिससे कि अपने पोर्स क्लीन हो जाते हैं। पोर्स क्लीन हो जाते हैं तो इनफैक्ट अपने ब्लैक हेड्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं। दवा ये है कि आप पोटैटो रब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे अपने चेहरे हाथ पैर की गंदगी निकल जाती है। हाँ, ये है कि आप मुल्तानी मिट्टी और नींबू का रस और गुलाब जल को, इन तीनों को मिलाकर आप पैक बना सकते हैं जो आप डेली लगा सकते हैं। उसे आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट के लिए रखिए, फिर सूखने के बाद आप उसे धोए, जिससे कि अपने चेहरे पर जितनी भी गंदगी है या जितने भी अपने चेहरे के होल्स रहते हैं वो खुल जाते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़।